पापा आ? मैं उससे प्यार करती हूँ। गुड, तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने ये भी ना सोचा कि तुम्हारी अम्मी ने नीला सूट पहना हुआ। बेटा बेटा, मैंने जब इनसे शादी की थी ना, मैं अंधी हो गई थी। मेरे प्यार में। That's so cute, daddy. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आप सब लोगों को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि अच्छा फेस होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन डजंट मैटर। नो, इट मैटर्स अ लॉट। देखिए, अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आप किसी भी चीज को समझ नहीं सकेंगे। सो यू एनीबडी हूएवर वांट्स टू एक्ट, जितने लोग घर में हुए, आपको एजुकेशन पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद सब कुछ करना। ओके, दैट्स राइट। और उसके साथ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, दे आर अ पार्ट ऑफ दैट। यस यस, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। ऑब्जर्वेशन, अच्छा वो सब में नहीं होता, लेकिन exactly. वो कुछ लोगों में होता है, वो कुछ आर्टिस्ट में होता है। देखिए, एक तो आई बिलीव कि यू आर अ बॉर्न आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, आर्टिस्ट को पॉलिश किया, या तो आप हैं या फिर आप नहीं है। मुझे शादी की खबरें आ रही थी, अंदर किचन में आवाजें आ रही थी। नहीं, कोई बात नहीं। शादी कौन कर रहा था? ये शादी कर रहे हैं। शादी तो अड्डी होएगी। वैसे ना मैडम जी, आप शादी कर लें, बड़ा फायदा होगा। खामन का खामन, बेटे का बेटा। एक सीट का किराया भी बचेगा, ड्राइवर कंडक्टर आ जाएगा, बच्चा चोली च करो, बच्चा चोली च कर। लोगों को जरा शादी क्यों नजर आता है? ये आपका चेहरा ही शादी वाला प्यारा है, हर कोई आपको। मेरी बस हो गई है, बस हो गई है, मेरी शाबाब की तौबा शादी हो गई, बहुत सी गलतियां हो गई। आप शादी से इतनी नफरत हो जी? नफरत तरीन हो गई है। वाओ, आप तो डरा रहे हैं मुझे। रूह देखो, इस तरह मत करो। मैं जानता हूं जो वक्त गुजर गया उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके पापा का इलाज करवाने के लिए? आप इस तरह मेरे साथ सलूक मत करो, क्या हो गया? देखो कम से कम, चलो तुम होमवर्क करना है, अंदर चलो बेटे अंदर। अपने घर नवा ए सी लवाया, पूरी फैमिली नु पैत निकल आई। पागल ने पुठा लवाता। घर में मेहमान आए हैं साई। कौन? फिल्म स्टार नूर हमारे घर में बैठी है। हुन सुना, हुन सुना। गई ना पति? ओए मारी ना जाई। ओए मैं मेरा सही तारुफ करा। गलत बात नहीं करनी, बड़ी इधर आओ, आपका तारुफ करवा। बड़ी मुश्किल से आई है हमारे घर में। ओए आ गया। हाँ भाई, वो बोलता भी है। हाँ जी हाँ जी, काली काली सेल चेंज करवाए। वो भैया रुपया दा स्कूटर लिए ना, वो दे होते हो जिया ड्राइवर बैठा होगा। आराम से, बदतमीजी से नहीं, आराम से। आप खुद साईं। और मैं फिल्मा चाह सकता जी? नहीं। ओके, बट थैंक यू वेरी मच। नहीं, 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 नहीं। शक्ल दी वजह तो? नहीं नहीं, हर कोई वजह की है, कोई भी नहीं। उन्हें ये बोले कि तुम बहुत बड़े फिल्म स्टार हो। कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े खैराती हो तुम, वो जो मांगते हैं वो। चलो हम ऐसे करते हैं, ये कह देते हैं कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, और तुम इनकी फिल्म में कोई पैसा वैसा लगाना चाह रहे हो ना? पैसे बहुत गोबे लगा देंगे, रकमे लगा देंगे। किस तरह की फिल्म बनाना चाह रहे हो तुम? तुम साढ़े पाकिस्तान का नाम हो, अल्लाह ने तुम इतनी इज्जत दी है, तुहानू एक चीज गिफ्ट करनी है। जा जावे तेनू डेंगी दिता, दे दिता अल्लाह वास्ते, एनू हुण मारी ना खुदा दे वास्ते। देख कैसी अच्छी गल की, भावे डेंगी इथे ते बैठा ना। मैं काउंसलर हूं जी, पिछले दिनों मैं बीमार हो गया था। अच्छा? हाँ जी, डॉक्टर ने चेकअप किए। ओहो, ओए होए, तो उसने बताया। क्या क्या क्या? उसने कहा तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है। फिर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, तुम्हें नूर चाहिए। इतना बेसब्रा ना हो साईं, वो ना नूर जो है ना, नूर ये हमारे घर में ना किराएदार ले, वो कमरा नहीं जो वो वाला गड़ा गड़ा, वो हम किराए पे दे रहे हैं नूर को। वेरी गुड, दे 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 दे, मैं पीछे तो अभी तरी नहीं है, अभी तरी रहेंगी। आजा आगी। अच्छा चलो निकलो, अभी निकाल क्यों नहीं देते इसे बाहर? उसे क्यों बता रहे हो कि वो यहाँ रहने आ रही है? क्या तुम्हें? चलो ये तो बातें होती रहेंगी। ओके
तो शादी की तरफ से ना ही समझूं मैं? इंसान अपनी शक्ल देखता है फिर बात करता है ऐसी वैसी। तुम निकल जाओ यहाँ से बाहर, बदतमीज। शक्ल नहीं? नो। हम हसीन होने का दावा तो नहीं करते वसी, मगर हाँ जिसको आंख भर के देख ले उसे उलझन में डाल देते हैं। किस तरह का शेर बोल के गया है? शेर अच्छा था, समझ हमें नहीं आई। मैडम अब आपके लिए। दफा हो जो मेरी आंखों से दूर, वाह वाह। दफा हो जो मेरी आंखों से दूर, किया ले नूर। यहाँ दोनों ने आज इतनी मैचिंग क्यों की हुई है? बस वैसे ही, ये मांग के लाए हैं, मैं खरीद के लाया हूँ। जी क्या खाएंगी आप? जो भी खिला दें आप। नहीं नहीं फिर भी सैलेड। सैलेड सिर्फ? जी ज़ाहरी बात है, स्मार्ट है। सैलेड छोड़ दें, खुदा का वास्ता। क्यों? 20 साल पहले एक बंदा सैलेड खाता था, इतना सा रह गया। ओके, एंकरिंग करती हैं और बहुत टाइम के ऊपर ऐसे होता है कि आप एंकरिंग कर रही होती हैं और कभी कभी मोहम्मद फिल्म दी जस्ट आ रहा होता है आपके पास कुछ ज़हन में, लेकिन आप उसके सामने ये बोल नहीं सकती। कभी कभी ये होता है कि कोई लोग नहीं पसंद होते, उनका भी इंटरव्यू करना पड़ता है। और उस वक्त दिल जो हो रहा था ना, वो कह रहा होता कि बस ये अल्लाह, ये कि अल्लाह, ये कि कौन सी जॉब कर रही हूँ मैं। ऐसा भी हुआ है। फिर उसके बाद अक्सर ये भी होता है, कभी कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू अगर किसी का किया जाए तो कुछ सवाल मैं, बिकॉज मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात कर देती हूँ, तो लोग अक्सर माइंड भी कर जाते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा इंटरव्यू दैट यू गिवन दैट अब यू टेकन कि जिनके ऊपर यू दैट वाज द बेस्ट इंटरव्यू दैट यू हैव एवर टेकन? किसी कौन सी पर्सनालिटी मजा आया जिसके साथ बात करके? बात करके मुझे मुस्तनसर हुसैन तारर साहब ने इंटरव्यू करके। आंखों में से जागे सांप तेरे, मैं झूमती रहती हूँ, तेरा नाम दिली बेलिख कर उसे झूमती रहती हूँ, झूमती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही। आम आदमी कानून तोड़े ये बात तो समझ में आती है। Exactly. कानून बनाने वाले कानून तोड़े इस बात की समझ नहीं आती। और किस चीज की समझ आती है? हाँ, किसकी? बिजली का बिल ना जमा कराएं, मीटर कट जाता है, इस बात की तो समझ आती है। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, मिलें चल रही हैं, वो बिल भी ना जमा कराएं, फैक्ट्रियां फिर भी चलती हैं, इस बात की समझ नहीं आती। क्या कर रहे हैं आप आजकल? मैं आजकल कल ही लंदन से वापस आया हूँ। अच्छा, वैसे कितने सिगरेट्स की बात? स्पेशलाइजेशन कर कर आए हैं। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत आया है। नूर जी आई है। जी जी, जी। समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। आप क्या समझ नहीं आ रही? करोड़ों रुपया बाहर के मुल्कों में शिफ्ट किया हुआ है इन लोगों ने। चलो इस बात की तो समझ आती है, फिर इसी मुल्क में हुकूमत करते हैं, इस बात की समझ नहीं आती मुझे। वैसे जिस तरह की बातें करते हो ना आके, पीते ही रहा करो तुम। और सर समझ ही नहीं आ रही मुझे। क्या आप देखिए ना, कितना खूबसूरत सोफा है, ऊपर कितने खूबसूरत लोग बैठे हैं, तो मूड आता थले रखो। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आप? जी। मैम सुना फिल्म एक बना रही हैं, लॉन्च कर रही हैं। जी। मैम मुझे किसी फिल्म में बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, आप जो कहें। फिल्म में एक्टिंग करनी होती है, और कौन सा काम करना होता है? एक्टिंग करवाना चाहती है मुझसे आप? जी जी, करके दिखाएं जल्दी से। वाओ, आप तो डरा रहे हैं मुझे। नूर देखो, इस तरह मत करो। मैं जानता हूँ जो वक्त गुजर गया उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके पापा का इलाज करवाने के लिए। आप इस तरह मेरे साथ सलूक मत करो, क्या हो गया? देखो कम से कम, चलो तुम होमवर्क करना है, अंदर चलो बेटे अंदर। ये हीरो, हाँ? मेरी बात सुनो, कोई काम काज भी कर लेते हो? तुम जो कहो मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे आने वाले वक्त के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। अच्छा बताओ, मैं सिंगर कब बनूंगी? इस हाथ में क्या होता है? इधर जब पैसे आने वाले होते हैं, खारिश होती है। आपके हाथ में खारिश होती है? हाँ। आपको 10-10 हज़ार वाले नोट मिलेंगे, ठीपे भी मिलेंगे। किस पाँव पे होती है? दोनों पैरों पे होती है। तेरे तो खारिश पाई, मेरी गल ही जान अदाब पाई। कितना बदतमीज आदमी है ये।
ये मैं तो सही बता रही थी कि हो सकता है पैसे आने वाले नहीं तो पैसे के हाथ जगह पे आके आते पैसे तो पैसे आ रहे होंगे सारे के सारे तुम्हें आपका फोन आया मेरा फोन जी फोन आया आपका सीरियसली हाँ सॉरी मेरी कॉल आई मैं जरा देख कर हो सकता है किसी डायरेक्टर की कॉल हो मुझे नई मूवी के लिए जाहिर है किसी ने कहा हो कि आज के बाद गाना ना गाना आओ जी भुख तानू लगी है कुछ खवा ले आवा ये शेर आया है हाय हाय के भुख तानू लगी है कुछ खवा ले आवा तड़को बड़ी बोलदी है ओ तानू नवा लिया देखा आपने देखा तो अब भी देखे बस अब तुम्हारी मेरी अलहदगी होगी आज के बाद तुम नूर मेरे घर में माना मैंने अपना बच्चा लिया और जा रहा हूँ मतलब यहाँ पे ना जब आप यहाँ पे आ जाएंगे ना फिर आपको पता लगेगा कि हमारे घर में ये सारे के सारे लोग इसी तरह आते रहते रौनक चलती रहती इफ आई से वन वर्ड अबाउट नूर व्हाट इट वुड बी स्टूपिड सम डिफरेंट थिंग पैशनेट Yeah. Okay. You should be remembered as a nice soul. कि वो एक अच्छी इंसान थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब सब प्यार करते हैं मुझे. Hello. जी जी. ओ भाई तुम कहाँ हो तुम? Hello. ओ भाई आवाज नहीं आ रही. हाँ जी हाँ जी जो जो जगह देखनी है ना जो रेंट पे ले रहे हैं हम. जी जी. मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ. तो मैं भी उस जगह पे हूँ. आप कहाँ है? मैं जनरेटर दी बैक साइड पे. यार जनरेटर वो तो मैं हूं मतलब जनरेटर मेरी बैक साइड पे. अरे मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? आप सुनाए. ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है. असि दोवां ने एनका लाई है सानू अन्ना ही ना समझण. जी वालेकुम सलाम. कैसे कैसे हैं आप? जी आप ठीक है? या है पहचाना? नो मैंने नहीं पहचाना. मलिक जनरेटर प्रोड्यूसर प्रमोटर. एक्सक्यूज मी जनरेटर प्रोड्यूसर या प्रमोटर? यार क्या फजूल का. हमें ना जी कुछ हिस्सा चाहिए. हम ऑफिस बनाना चाह रहे हैं. किस तरह? हमें चाहिए ये फिल्म का ऑफिस बनाना चाह रहे हैं हम. तो एक साल का एग्रीमेंट कर ले हमारे साथ. ओके और किराया कितना? पैसे की टेंशन लेनी नहीं. पैसे की गल करनी नहीं रहे हो तो किराया पूछन दे. जी कितना किराया? कहाँ जाना है आपने? नहीं मैंने जाना नहीं है. हाँ. आप भी यहाँ रहने ना. हाँ, तो कितना किराया देंगे आप? आप नहीं नहीं हाँ, हाँ. आप हम आप यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. देखिए हम आपको आप आ रहे ना यहाँ पे और आप मेरे घर पे रह रहे हैं तो आपने पैसे देने ना. देने तो असी ने तुसी किन्ने लेने ने ना. देखिए हमारे पास ना और भी my friend there film star आई है नूर. Please have a seat. Please बैठिए. जी थैंक यू तो अभी ना हम यहाँ पे ये भी रहने लगे ना यहाँ पे इस बार यहाँ पे उन्होंने अभी रेंट पे रहना है. और कैसा है फिल्म? जितने भी फिल्म वाले हैं ना सबका ज़हन एक ही है. देखा लोकेशन अच्छी है ना. मैंने कहा था ना. नहीं लेकिन अब ये पहले है ना तो उसके बाद आप बात में कोई बात नहीं. ये ले लें या हम ले लें एक ही बात है. कोई बात एक बात हमारे साथ ही करते हैं ये भी फिल्में. जी जी रोटी बन गई है? टूट पहले कहाँ से बन गई है? गैस ही नहीं आ रही. एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता. एक रोटी नहीं बना सकती जब मैं काम से आऊं. कैसी औरत हो तुम? कहां मैं रोटी बनाऊं? तेरा तेरा रोटियां खा जाते हो तुम. लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके पास कुछ तजुर्बा है पहले? क्या इससे पहले क्या काम करते थे आप? आप कैसी बात कर रहे हैं? पहले मैं लूटने का काम करता था. क्या लूटने का? सियासतदान था. सियासतदान थे? अपने इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत हो जनाब. ये जितने भी मेरे उम्मीदवार हैं मेरे साथ नून लीग से अपना तल्लुक कहना जी. इसीलिए तो कह रहा हूँ पैसे की टेंशन. चले चले छोड़ें जी इनको क्या कहना है. आप हुक्म करें किस किस को रखना है और किस किस को नहीं रखना फिल्म. देखिए फिल्म ये नूर जी हैं इनको सहन कर लें. जी जी मैं इनको सहन कर लेता हूँ लेकिन मेरी स्टोरी कुछ जी प्लीज वो सुन ले जी. फिल्म जैसी भी बनाए आपने सिर्फ और सिर्फ हीरो जो है ना वो नून लीग को बनाना. नून लीग को क्यों हीरो लेना है? बिजली आए ना आए हीरो नून लीग हो गई. नहीं क्यों? नहीं नहीं देखिए
हम फिल्म इज डिफरेंट, पॉलिटिक्स इज डिफरेंट. हम फिल्म फिल्म में ये जो आप क्या बताते हैं पॉलिटिक्स, इसको थोड़ा ना मिक्स करके मुतंजन बना के दिखाए मुझे. चलिए ऐसा करते हैं, शाहिद अफरीदी को लेते हैं, शुएब को लेते हैं, और इनको लेके ना हीरो फिल्म में, तो फिल्म बना लेते हैं. जाओ यार काम करो, फिल्म नून लीग की बना रहा है और बंदे सारे एक नंबर रख रहे हैं. नहीं नहीं ये इसको रखते हैं ना, जितने भी खिलाड़ी हैं इनको लेते हैं, हीरो लेके तो फिल्म बना लेते हैं. आप राणा सुनाउल्लाह को हीरो, ये फिल्म नहीं, ये नहीं हीरो आ सकते. एक्सक्यूज मी जी, इनको हीरो रखने, राणा सुनाउल्लाह साहब, राणा सुनाउल्लाह साहब कहाँ से हीरो लगते हैं जी. ऐसा करते हैं चलो आपकी बात मान लेते हैं, राणा सुनाउल्लाह को विलन ले लेते हैं. वो तो पहले ही है यार, मैं हीरो बनाना चाहता हूँ यार. नहीं नहीं हीरो नहीं बन सकते ना यार. क्यों नहीं बन सकते, पैसा मेरा है कि आपका है. अच्छा और किसको लेना है, उसको हीरो ले लेते हैं. ओके उसके अगर आपकी फिल्म में कोई ऐसा किरदार आपको चाहिए कि जिसकी जुबान बहुत गंदी हो, तो उस पे आप अपना रख ले तलाल चौधरी को. उससे क्या होगा, उससे भी रख लेते हैं. और आप शेर अली को रखे, वो उन कादे च रखिए, उन्होंने तुम गिलास च रख लो. अगर आपने फिल्म में गाली गलोच करवानी है तो आला दर्जे की, अगर गालियां निकलवानी है तो फिर जुवेद लतीफ साहब को रखें प्लीज. लेकिन इस तरह के लोग हम अपनी फिल्मों में क्यों रखें, हमें अच्छी फिल्म बनानी, क्यों नूर हमें अच्छी फिल्म नहीं बनानी. जब आपको पैसा मिल जाएगा, अच्छी बने या बुरी बने, आप पागल है. हमें एक अच्छी फिल्म बनानी, पैसा की क्या बात होती है. आपको पैसा मिलना चाहिए यार, बना दे आप बिल्कुल. नहीं तो फिल्म देखेगा कौन, नून लीग वाले सर है जो देखेगा. टिकट के साथ हमने स्कीम रखी हुई है, पाया मुर्गे का गोश्त, एक लैपटॉप और एक उसके घर के आगे पुल बना देंगे जो टिकट लेगा. जाओ नूर से पूछे कितने पैसे लेंगी, कितने पैसे लेंगी. सॉरी मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करूंगी. ये सब कहती है जी, बाद में मान जाती है जी. नहीं वो नहीं, मैं वो बहुत नहीं करना ना, उन्होंने कहा मैं बहुत चूज रही हूँ, मैं मुझे नहीं को बना सकता. एक मिनट, कितने पैसे, कितने भाई मुझे फिल्म ना करना फिल्म कौन बनवा रहा है आपसे फिल्म. पैसे कितने, क्या सब्जी खरीदने आए आपको, पैसे कितने क्या कितने पैसे लेंगे आप फिल्म में काम करेंगी, छोड़ दें. मैं मूवीज किसी की नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी, ये किसी की नहीं है, अपनी करती है ना जी, अपनी करती है ना, आपकी अपनी है. पैसे बताएं, हम जो फिल्म बना रहे हैं ना सिनेमे पे नहीं चलेगी, कहाँ चलनी है फिर. सड़कां खुलियां हो गई, सड़कां ते चलेगी भाई जन, पुल ते चलेगी, औरन चलने लगी ओदे सामने चलेगी, और मेट्रो पे चलेगी. मेट्रो तो वो छोटी है, वो कितने मेट्रो के अंदर ना बड़ी स्क्रीन. हाँ ये बात. अच्छा कोई मुझे दिखाएं तो सही, कोई सीन करके दिखाएं. इन्होंने क्यों करना है यार, मुझे पता तो चले कि ये बहुत अच्छे डायरेक्टर है. आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट करना हो, किस टॉपिक पे, किस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट करेंगे आप, किस टॉपिक पे शुरू करनी है मुझे बताएं. नहीं मुझे आप बताएं ना, मुझे बताएं विमेन एम्पावरमेंट पे. हाँ एक ही कह रहे हैं. लेकिन जो विमेन पावर है ना, विमेन पावर के जो खवातीन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, उनके ऊपर फिल्म बनानी है, तो कौन किस तरह बनाएंगे फिल्म. बिल्कुल ठीक है. ये नूर जी बाहर से आई है, ठीक है तो ये तो है ही नहीं, इनको छोड़ दें आप. नहीं, नहीं है ना फिल्म में, नहीं आ रही ना, सीन ही तब बनेगा. आए नूर जी आए, मैं नहीं करूंगी. क्यों, मैं नहीं, ये आपकी अपनी फिल्म है, हमारी फिल्म नहीं है. तो वो अपनी फिल्म में भी क्यों करेगी आके. आए जरा, आए तो सही, प्लीज जरा आए. ये सही सही पाकिस्तानी डायरेक्टर है. Exactly. इतने ना मतलब ढीठ हो जाएंगे. चिचड़ हो चिचड़ आपको, आपकी माँ का वास्ता होगा. आए जी आए प्लीज. ओके डायरेक्टर साहब बताएं क्या करना है. जी करना ये है, आप बाहर से आई हैं. हाँ. तो ये जो है ना, ये आपकी बेगम है. आप बैठी रोटी पका रही हैं, आप बाहर से आई हैं. इतनी देर क्यों कर दी, आपको पता नहीं है मैं काम पे गया था, वापस आया हूँ. ये ऑडिशन ले रहे हैं. ये ऑडिशन क्यों ले रहे हैं आप. नहीं नहीं मैं समझा रहा हूँ. क्या कहना है जी, क्या कहना है. ये आपकी बेगम है, तो वाली बेगम. आपने आके सिर्फ इतना ही कहना कि क्या बात है, इतनी देर क्यों रोटी. आप एक्शन करें. ओके एक्शन. रोटी बन गई है, टूट पहले कहां से बन गई है, गैस ही नहीं आ रही. एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता, एक रोटी नहीं बना सकती जब मैं काम से आऊं. कैसी औरत हो तुम, कहां मैं रोटी बनाऊं, 13-13 रोटियां खा जाते हो तुम. मोहल्ले वालों की रोटियां खानी पड़ती है, अपनी बेगम जो है वो मूछों वाली और फोहड़ है. हाय मैं मर गई, मैं पहले ही कह दी सा, ए नारदी प्रवीण नु मिलता है. हाँ हाँ मैं मिलता हूँ, क्योंकि मूछे नहीं है. कोई गल नहीं, बुढ़ी होएगी उसकी भी निकल आ गई. ओके गुड. अच्छी किधर एक सीन हूं तुम ही दस. अच्छा
ये तो अपने पैसे पूरे करने हैं। Exactly. This is, ऐसे नहीं होता ये आप बाहर से आई है, आपका पापा घर में अखबार पढ़ रहा है, आप पापा बन जाए। देखे मैं आपकी खातर माँ बनाऊ ना, हाँ बनाऊ ना, हालांकि मैं माँ लगता भी नहीं हूँ। बीवी बीवी बने हो आप, उसकी बच्चों की तो बनाऊ ना, हाँ हाँ, तो इसलिए आप ही बन जाए पापा। चले बैठे, तशरीफ रखे, यहाँ पापा अखबार पढ़ रहा है, नीचे बैठा। जी जी नीचे बैठा है। पापा पापा झूठा निकला है, बैठ जाओ। आपने जाके कहना है अब्बा जी मैं एक लड़की नु पसंद कर बैठा, मैं उहदे नाल शादी करना चाहना वा, तुहानूं तुहाडी मां दी कसम इनकार ना करना, इनकार ना करना, इनकार ना करना। ये आपने कहना है। स्टार्ट साउंड, कैमरा एक्शन, मूड ऑफ, मूड ऑफ। पापा पापा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। क्या हुआ बूटे? पापा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या नाम है उसका? किस खानदान से है उसका तल्लुक? अमीर घराना है, अमीर घराना, अमीर घराने से। तो क्या करती है? क्या जेहेज में क्या दे, जेहेज में क्या दे? तो वो जेहेज में क्या देंगे? दुआएं। इसके अलावा एक हीटर सर्दियों में। और क्या देंगे? जेहेज में एक गाड़ी, एक बंगला, एक कॉलेज, एक बेटा जो हवाई जहाज नहीं मिलेगा। लड़की अच्छी है? लड़की खाना बना लेती है, लड़की पढ़ी लिखी है, शरीफ घर की लड़की है। अच्छा, शरीफ घर की लड़की है, आप उससे शादी करना चाहती हैं? जी पापा। आप तो डायरेक्ट कर ही नहीं सकती फिल्म, छोड़ दे। अब मेरा मेरी बारी। अब आप दोनों की एक्टिंग करनी है। आपने ये करना है कि सीन ये है कि आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एकदम से आप गुस्से में बाहर जाते हैं या आपके पीछे आते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं और बाहर जाके दरवाजा बंद कर देते हैं, और जब तक मैं कट ना कहूँ तब तक वापस नहीं आते। इतना सीन है? हाँ जी। सुबह करेंगे, आ जाओ बैठ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये घर रेंट पे मिल जाएगा या नहीं? नॉट एट ऑल, ये ले रही है ना, आपने रखना। एक्चुअली आई डोंट थिंक मैं यहाँ रह सकती हूँ, बड़े अजीब अजीब से लोग आपके घर आते हैं, I'm so sorry. यही बात मैं आपको कहने वाला था इनको देख के। Excuse me. ये क्या बात हुई? जब देखो ना, नूर जी ने नहीं लिया तो हमने क्या, हम भी, हमारा भी जेन, हमारा माइंड ऐसा ही है, हम नहीं इधर रह सकते। हम भी शोबिज से तल्लक रखने वाले लोग हैं, हमें पता है कि अगर मैडम को पसंद नहीं आया तो हमें कैसे आ सकता है। अच्छा चले छोड़े इस बात को, चले कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे इस वक्त आई। लेकिन और कोई मैसेज that you want to give to people there? I've seen people not respecting women in a lot of ways, so please respect women and you definitely gonna be very successful then.